नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूजन किक्की में। एक बार फिर से मैं आपके लिए छठ पूजा की एक और वीडियो लेकर यहाँ उपस्थित हो गई हूँ दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छत के ऊपर घाट का बहुत ही सुंदर परिदृश्य बनाया गया है। अमूमन जो छठ पूजा होती है वो किसी नदी, तालाब, पोखरे ऐसी जगहों पे जाकर लोग करते हैं, लेकिन अब अपनी सुविधा अनुसार और कोरोना को भी देखते हुए और इस हिसाब से लोग छत पे भी सेटअप तैयार करते हैं। ये जो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी, इसको हम अपनी आम भाषा में कहते हैं दौरा उठाना। तो जो फल, मिठाइयाँ, ठेकुआ वगैरह बना होता है, उसको जो होते हैं घर के लोग, वो अपने सिर के ऊपर ऐसे दौरा जो होती है उसको पीली धोती में लपेटते हैं और घाट तक लेके जाते हैं। तो यहाँ तो घाट आपको यही है दोस्तों। अब देख सकते हैं जो व्रत जिन्होंने नहीं किया उनके अलावा भी जो लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिली के लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो सब अच्छे अच्छे नए पोशाक कपड़े पहन कर यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, उपस्थित हैं, इंतज़ार हो रहा है। ये शाम का दृश्य है दोस्तों। और अब देखिए आप, ये जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पे इस वक्त पानी का जो ये कुंड है छोटा, इसके अंदर वो खड़ी हो गई हैं और सूर्य देव के जो डूबने का इंतज़ार हो रहा है। ये अस्ताचलगामी जो सूर्य है, शाम का जो अर्घ है जिसे हम पहला अर्घ भी कहते हैं, ये उसका दृश्य आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों। जो यहाँ पे व्रत जो जिन्होंने किया है उनमें मेरी मम्मी हैं, मेरी दीदी हैं, मेरी सिस्टर, उनकी मदर इन लॉ और फैमिली के लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर यहाँ छठ पूजा इकट्ठे एक साथ कर रहे हैं। गुलाबी सूट में आपको वहाँ पे मेरी सिस्टर दिख जाएंगी और बाकी भी परिवार के लोग हैं, सब खड़े हैं। सूर्यदेव को, भास्कर का यहाँ इंतज़ार जो है वो डूबने का हो रहा है। कितनी अच्छी परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में कि हम उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं, यानी जो चीज़ जो है जिसका आप समापन हो रहा है फिर उसका उदय होगा, इस बात की भी जो जानकारी है, जो परिचय है, वो छठ पूजा के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। बहुत कठिन पर्व है दोस्तों। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत होना और इतनी जो नियम कायदे की चीज़ें उनको फॉलो करना और फिर इस तरीके से बिना कुछ खाए पिए ठंडे पानी में, नवंबर का महीना है उसमें, इस तरीके के कुंड में पानी में आप जो है खुद के शरीर को स्नान भी कराते हैं और फिर खड़े होते हैं, वेट करते हैं। ये छत का नज़ारा है दोस्तों, यहाँ से सूर्यदेव को डूबने का इंतज़ार किया जा रहा है। करीब करीब नहीं भी तो पौन घंटे, घंटे भर लोग खड़े होते हैं, इतनी देर का समय जो होता है वो दिया जाता है। हम और आप अगर सोचें नवंबर की सर्दी में शाम के वक्त इस तरीके से सिर्फ एक कच्ची साड़ी लपेट कर खड़े रहना और भूखे प्यासे और भगवान के उपासना के लिए, तो बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ छत पे आपको मेरे परिवार के बाकी लोग दिख जाएंगे। ये पीले कुर्ते में मेरी दीदी का बेटा है और बाकी लोग भी, पीछे आपको हरे कुर्ते में मेरे पिताजी बैठे हुए दिख जाएंगे कुर्सी पे। तो इस तरीके से घर का जो एक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, पूरा परिवार जो होता है इकट्ठा होता है दोस्तों और इंतज़ार करता है और इस तरीके से मदद करते हैं अपने लोगों की इस कठिन पर्व को पूरा करने में। यहाँ पे व्रती जो हैं वो लगातार इंतज़ार कर रही हैं और उस हिसाब से फिर जो है पूजा का बाकी जो कार्यक्रम है वो भी चलेगा दोस्तों। तो बस आप देखते जाइए वीडियो, मेरे साथ बने रहिए। छठ की जो महिमा है दोस्तों वो अपरंपार है। मतलब मैं आपको क्या उस बारे में बताऊं, बहुत ज़्यादा ही व्रत की जो महिमा है, जो इसका एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं कि करते हैं, बहुत कठिन होता है, उसको इतना आसान नहीं होता निभा पाना, कर पाना। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब ज़खीरा उठाते हैं ऐसा छठ व्रत को करने का, और बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है, फीलिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ आप देखिए कि जो है अब पूजा का जो बाकी कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया है, जो चल रहा है, तो एक एक करके अब अर्घ दिया जा रहा है। ये आपको मैं दौरा दिखा रही हूँ दोस्तों। इस दौरा में आपको दीपक दिख जाएगा जलता हुआ, उसके बाद आपको केला है, सिंघाड़ा है, मूली है, फल है, इस तरीके की चीज़ें दिख जाएंगी। ठेकुआ है प्रसाद में, ये मेरे जीजा जी हैं कुर्ते में, आपको वो पीछे मेरा भाई दिख जाएगा, और भी बहुत लोग हैं घर के, कॉलोनी के, इधर उधर के, आस पड़ोस के, सब एक साथ इकट्ठे हैं, पूजा में लीन हैं। यहाँ जो चीज़ की जा रही है वो जो है हाथ में जो कलसूप जिसे हम कहते हैं, सूप जिसे कहते हैं, उसमें फल का जो प्रसाद है वो रखा गया है और अब ये जो है वो परिक्रमा लेंगे। अर्घ जो देने के बाद जो है वो घूमते हैं 5 बार,
ये वो प्रोसेस है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये घूम रही है व्रति और बाकी लोग जो है वो उनको यहाँ पे जल अर्पण कर रहे हैं दोस्तों। और जो ये कलशुभ के अंदर जो प्रसाद या फल रखा उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। यहाँ पे गन्ना है, नारियल है, साबुत यानी जो हरा नारियल जिसको डाब कहते हैं वो सूखा हुआ फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठेकुआ है, केला है, सेब है, बाकी जो फल होते हैं वो चीज़ें हैं, दीपक जो जलता हुआ है वो रखा है, ऊपर जो जिसको आप गमछा कहते हैं अंगूछा देसी भाषा में वो चीज़ भी आपको यहाँ पे रखी हुई दिख जाएगी। और इस तरीके से ये इतना वजन बहुत होता है दोस्तों, इसको ले के वो समझ लीजिए परिक्रमा करते हैं। और ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब जो है इंतज़ार जिस तरीके से हो रहा था मैंने आपको बताया वही प्रोसेस है दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब जो छठ व्रती हैं जब वो परिक्रमा कर रही हैं इस प्रकार से तो बाकी लोग जो है उनको जो है जल अर्पण कर रहे हैं। आप यहाँ पे व्रती की उम्र देखिए दोस्तों, करीब 70 के करीब होंगी ये, और कितना उत्साह है, कितना धैर्य है, भगवान के प्रति आस्था है कि नहीं इस उम्र में भी मुझे इस कठिन व्रत को करना है, निभाना है, और कितना जोश है कि आप देखिए कि किस प्रकार से अच्छे से वो खुद ही बिना किसी सहायता से इतनी भारी जो कलशुभ है सूप है उसको लेकर परिक्रमा यहाँ पे कर रही हैं। तो ये कुछ भावना होती है दोस्तों छठ की कि बस जब ठान लिया तो छठ मैया बेड़ा पार लगा ही देंगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोस्तों कि यहाँ बैंड बाजे वाले बैठे हैं, जो बाजा बजाते हैं वो बैठे हैं। तो जैसे अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई मन्नत पूरी हुई हो और आपने छठ मैया से माना हो तो आप इस तरीके से भी बाजा बजवा के, बैंड बजवा के उनका धन्यवाद कर सकते हैं। या फिर सपोज़ आपने बेटी की शादी की हो या कोई शुभ कार्य किया हो और आप छठ मैया को धन्यवाद देना चाहें तो इस प्रकार से और खुशी को जाहिर करते हैं कि आप जो है बैंड बाजा वगैरह बजवा के और उनको धन्यवाद कर सकते हैं। ये आपका पूजा शुरू होने से पहले का दृश्य है जो मैं आपको अभी दिखला रही हूँ दोस्तों। लोग यहाँ पर तैयार होकर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। साथ ही आप देखिए कि बच्चे भी प्यारे प्यारे कपड़े पहन कर, मेरी दीदी की बेटी है और वो आ गई है यहाँ छत पर। तो इस तरीके से जो घर पूरा परिवार है वो भी बहुत अच्छे से सम्मिलित होता है इस त्यौहार में। और अब जो मैं आपको दृश्य दिखला रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो है ये है जो प्रसाद वितरण हो रहा है। पूजा समाप्त हो गई है, पारण का दिन है, तो जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं उनको खोइचा में या जो कंछुआ होता है उसमें जो व्रती है वो प्रसाद डाल रही है। तो ये जो प्रसाद आपके दुपट्टे में आता है, चुन्नी में आता है, इसको आपने खुद ग्रहण करना होता है, किसी और को शेयर नहीं करना होता। तो इस प्रकार से 2021 का ये छठ पूजा जो है वो समाप्त हुआ दोस्तों। आप सभी के ऊपर छठ मैया की, सूर्यदेव की कृपा बनी रहे और इसी तरीके से आप मेरे चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।